संकटा माता अपने भक्तों के हर संकट को दूर करती हैं। अगर किसी को धन की कमी है, किसी को संतान नहीं होती है, किसी का विवाह नहीं होता है या किसी के पति प्रेम नहीं करते हैं, हर प्रकार से संकटा माता अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। संकटा माता का पूजन करने से व्यक्ति के सारे संकट दूर होते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए सुनते हैं संकटा माता की कथा। संकटा माता की कथा किस प्रकार से है। एक नगर में एक बूढ़ी औरत अपने बहू और अपने बेटे के साथ रहती थी। कुछ दिनों के बाद बेटा परदेश चला गया और सास और बहू दोनों अकेली घर में रह गईं। जब बेटा परदेश चला गया तो बहू अपनी सास को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देने लगी। अपनी सास से लड़ाई करती, झगड़ा करती, गाली गलौज करती, हर प्रकार से वह बुढ़िया बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। तो वह परेशान होकर एक दिन जंगल में जाकर बैठी और वहाँ बैठकर रोने लगी। जंगल में बुढ़िया को एक छोटी कन्या दिखाई दी। उस कन्या ने उस बुढ़िया के पास आकर पूछा कि माता, आपको क्या हुआ है, आप क्यों रो रही हो। तो उस बुढ़िया ने कुछ भी नहीं बताया। कन्या के बार बार आग्रह करने पर उस बुढ़िया ने बताया कि वह अपनी बहू से बहुत परेशान है, उसका बेटा परदेश चला गया है, तो उसकी बहू उसको बहुत तंग करती है। यह सुनकर उस कन्या ने कहा कि माता, आप परेशान मत होइए, संकटा माता का आप पूजन करिए, आपके सारे संकट दूर हो जाएंगे। तो उस बुढ़िया ने कहा कि संकटा माता का पूजन कैसे करना है। तो उस कन्या ने बताया कि शुक्रवार के दिन आप सुहागिन औरतों को अपने घर पर बुलवा कर भोजन करवाइए, जिससे ही संकटा माता प्रसन्न हो जाएंगी और आपके सारे संकट दूर कर देंगी। कन्या की बातें सुनकर वह बुढ़िया अपने घर आ गई और जब शुक्रवार पड़ा तो उसने सुहागिन औरतों को बुलवा कर संकटा माता का पूजन किया। लेकिन बुढ़िया अपनी पूजा के लिए 7 लड्डू बना रही थी और एक लड्डू बढ़ जा रहा था। बुढ़िया बहुत परेशान थी कि वह 7 लड्डू बना रही है, लड्डू 8 क्यों हो जा रहे हैं। तो वहाँ पर एक बूढ़ी औरत आई और उसने कहा, क्या कर रही हो। तो उस बुढ़िया ने कहा कि मैं संकटा माता का पूजन करने जा रही हूँ, लेकिन एक विचित्र घटना हमारे साथ घट जा रही है। तो उस बुढ़िया ने पूछा, क्या बात है। तो उस बुढ़िया ने बताया कि मैं 7 लड्डू बना रही हूँ, लेकिन लड्डू 8 हुए जा रहे हैं, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। तो उस बुढ़िया ने कहा कि तुमने सुहागिन औरतों के साथ किसी बुढ़िया को भी अपने घर बुलाया है भोजन के लिए। तो उस बुढ़िया ने कहा, नहीं। तो उसने कहा, अगर तुम्हें कोई कष्ट ना हो तो क्या मैं आ सकती हूँ। तो उस बूढ़ी औरत ने कहा, ठीक है, तुम आ जाओ। ऐसा कहकर उस बुढ़िया ने सुहागिन औरतों के साथ साथ उस बुढ़िया को भी भोजन कराया, जिससे संकटा माता खुश हो गई और संकटा माता के कृपा से उस बुढ़िया के बेटे को परदेश में अपनी माँ की और अपनी पत्नी की याद आई। वो अपनी माँ और अपनी पत्नी से मिलने के लिए वहाँ से चल पड़ा। अगले दिन जब शुक्रवार पड़ा तो उसकी माँ फिर पूजन की व्यवस्था कर रही थी। उसको किसी ने बताया कि उसका बेटा आ गया है, तो वह बुढ़िया अपनी पूजा से नहीं उठी, लेकिन उसकी पत्नी उठकर अपने पति से मिलने चली गई। तो उसके बेटे ने देखा कि मेरी माँ मुझसे प्यार नहीं करती है, क्योंकि मेरी माँ सुनकर नहीं आई, लेकिन मेरी पत्नी मुझसे बहुत प्यार करती है, जो कि सुनते ही मुझसे मिलने चली आई। थोड़ा समय बीता, तब वह बुढ़िया अपने बेटे से मिलने आई। तो बेटे ने पूछा, माँ, मैं इतनी देर पहले आया था, तुम मुझसे मिलने नहीं आई, तुम क्या कर रही थी। तो उस बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा, मैं तुम्हारी सलामती के लिए, तुम्हारी खुशियों के लिए संकटा माता का पूजन कर रही थी, इसीलिए मैं नहीं आ सकी। और अपने बेटे को अपनी बहू की सारी करतूत बताई। बहू के बारे में सुनकर बेटे को बहुत गुस्सा आया और उसने अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया। उसने कहा कि मेरे ना रहने पर तुमने मेरी माँ को बहुत कष्ट दिए हैं, इसलिए मैं तुम्हें नहीं रखूँगा, तुम मेरे घर से तुरंत निकल जाओ। ऐसा सुनकर पत्नी रोने लगी और वह रोते रोते जंगल में जा पहुँची और एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। उधर से एक राजा गुजर रहे थे। राजा ने देखा कि कोई स्त्री जंगल में रो रही है। यह देख राजा उसकी पत्नी के पास गए और जाकर बोले, क्या हुआ बहन, तुम क्यों रो रही हो। तो उसकी पत्नी ने कहा कि मेरे पति ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है, अब मैं कहाँ जाऊँ। तो उस राजा ने कहा कि तुम मेरी धर्म बहन हो, मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूँगा और अपने
बहन की तरह रखूंगा, तुम मेरे घर चलो, आराम से रहो चल के। ऐसा सुनकर वह राजा के साथ राजा के घर चली गई। राजा के महल में वह रहने लगी, वहीं अपना काम काज करती, वहीं खाती पीती और वहीं रहने लगी। कुछ समय बीतने के बाद उसको अपने पति की याद आई। उसने सोचा कि मेरी सास ने संकटा माता का व्रत किया था, सुहागिन औरतों को भोजन कराया था, जिससे कि मेरे पति परदेश से लौट आए थे। यह सोच उसने संकटा माता का पूजन किया। संकटा माता के पूजन में उसने रानी को भी न्योता दिया और बुलाया। तो जब रानी को प्रसाद दिया तो रानी ने कहा कि मैं ये चावल का प्रसाद नहीं खा सकती, मैं तो मेवा मिश्री खाती हूँ, ये मुझे हजम नहीं होगा। ऐसा कहकर रानी ने प्रसाद को नहीं खाया और प्रसाद को छोड़ दिया। उधर संकटा माता की कृपा से उसके पति को अपनी पत्नी की याद आई और वह अपनी पत्नी को ढूंढता हुआ जंगल की ओर गया। जंगल की ओर उसको उसकी पत्नी नहीं मिली। फिर वह राजा के महल में पहुँचा, जहाँ उसने देखा कि उसकी पत्नी राजा के महल में रह रही है। उसने जाकर कहा कि मैंने जो भी आपको तकलीफ़ दी है उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, तुम घर चलो। यह सुनकर उसकी पत्नी ने कहा, आप तो मेरे प्राण प्रिय हैं, आप कोई गलती नहीं कर सकते, जो भी गलती हुई है वह मुझसे हुई है, इसलिए आप मुझे क्षमा कर दीजिए। ऐसा कहकर दोनों ने एक दूसरे से क्षमा मांगी और वह अपने पति के साथ अपने घर चली आई। तो राजा से बोली कि भैया, आपने मुझे मेरे संकट में बहुत साथ दिया, लेकिन भविष्य में अगर कभी आपको कोई संकट पड़े तो आप मेरी कुटिया में ज़रूर आइएगा। ऐसा कहकर वह दोनों अपने घर को चले गए। उधर उस औरत के जाते ही राजा के महल में बहुत सारी परेशानियां आ गईं। राजा का सारा धन नष्ट होने लगा। यह देख राजा की पत्नी ने कहा कि जब से तुम्हारी धर्म बहन महल छोड़कर गई है, तब से हमारे ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट गया है, कोई काम ही नहीं बनता है, सारा धन नष्ट होता जा रहा है। तो राजा ने कहा, क्यों ना हम अपनी बहन की कुटिया में चलते हैं, क्योंकि उसने कहा था कि जब भी कोई संकट आए तो आप हमारी कुटिया में ज़रूर आइएगा। यह सोच राजा और रानी दोनों धर्म बहन की कुटिया में जा पहुँचे और जाकर अपनी बहन से सारी बात बताई कि जब से वह आई है तब से उसका सारा धन नष्ट हुआ जा रहा है। यह सुनकर धर्म बहन ने कहा कि आप संकटा माता का पूजन करिए, सुहागिन औरतों को भोजन कराइए, जिससे आपके भी सारे संकट दूर हो जाएं, क्योंकि संकटा माता की कृपा से मेरे पति परदेश से आए हैं, मुझे मेरे पति वापस मिल गए हैं। अगर आप भी मन से संकटा माता का व्रत करेंगी, पूजन करेंगी, सुहागिन औरतों को भोजन कराएंगी, तो संकटा माता आपके दुख भी दूर करेंगी। यह सुनकर राजा और रानी अपने महल लौट आए और महल में आने के बाद रानी ने सुहागिन औरतों को बुलवा कर भोजन कराया, उनके सारे संकट दूर हो गए। ऐसे ही संकटा माता हर किसी के संकट को दूर करें, भक्तों की रक्षा करें। जय हो संकटा माता की।